जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो क्लास में अपनों ने विवृत आरेख पाई चार्ट है वो किस प्रकार से बनाना चाहिए, यानी उनके जो स्टेप्स है उनके बारे में हमने सीखा था। आज की इस क्लास में हम एक एग्जाम्पल लेकर विवृत आरेख किस प्रकार से बनाना है उसको आज सीखते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न दिया गया है आपको, गौर से देखिएगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले खेल निम्नानुसार है, इन्हें वृत्त आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फिर आंकड़े दिए हैं, खेल और विद्यार्थियों की संख्या, खो खो के 5, कबड्डी में 6, फुटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 8 और क्रिकेट में 10। ये एक प्रश्न है बस। अब आपको इसको हल करना है। तो अब मैं, जब आप इस प्रश्न को हल करें तो आपको ये प्रश्न दोबारा नहीं लिखना है। हाँ, ये टेबल बनानी होगी। तो टेबल बनानी है तो अब मैं इस प्रश्न को कह देता हूँ भी यहाँ से हल करना स्टार्ट करता हूँ। जब आप बोर्ड की कॉपी में जहाँ इस प्रश्न को हल करें, एक पहले ऊपर प्रश्न संख्या लगा दें, फिर नीचे हल लिखें और इस टेबल को आप दोबारा बना दें। इस टेबल को दोबारा बनाना है। क्यों बनाना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप ये खेल विद्यार्थियों की संख्या सारे लिख देंगे। याद कीजिए, वृत्त आरेख बनाने का पहला स्टेप मैंने क्या बताया था भी, ये पदमूल्य दिए गए हैं, इन पद मूल्यों की जो संख्या दी गई है इन सब का क्या निकालना है, योग करना है। तो आप ये टेबल बना के लास्ट में इसमें एक कॉलम आपको और बनाना है और उसमें आपको लिखना है कुल योग। कुल योग शब्द आपको इसमें एक और ऐड कर देना है और 5, 6, 7, 8 और 10 इन सबको जोड़कर वहां लिख देना है। इन सब का जोड़ आएगा 36। तो इन सब पदमूल्यों का जो मान है उनका योग 36 है, वो लिख दिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको बताया था मैंने भी सूत्र लिखना है आपको। पहले आप पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, पदमूल्य का कोणीय मान बराबर पदमूल्य का वास्तविक मान गुणा 360 डिग्री, डिग्री जरूर लगा दीजिएगा, बटा में संख्या का कुल योग। ये फॉर्मूला आप लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले के आधार पर प्रत्येक पद मूल्य का कोणीय मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जैसे खोखो, तो खोखो का कोणीय मान या सिर्फ खोखो लिख के बराबर लगा के इस फॉर्मूले के आधार पर आपको सिर्फ गणितीय मान लिखना है। बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पद मूल्य का वास्तविक मान यानी खोखो का वास्तविक मान कितना है, 5, कुल योग कितना है 36 और गुणा में कितना लगाना है 360 डिग्री। जब 36 को 360 से काटोगे आप काट के लिखना चाहें तो इस प्रकार काट के लिख दे, कितनी बार कटा, 10 बार भी, यानी 36 एकम 36 और 36 को 10 से गुणा किया तो 360, तो 10 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 50 डिग्री। तो इस प्रकार से आप आगे 50 डिग्री लिख देंगे। ऊपर ये ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाना है, आपको 50 डिग्री लिखना है। फिर अगला पद मान लेंगे कबड्डी है, तो कबड्डी की वास्तविक संख्या 6 बटा 36 गुणा 360 डिग्री। 10 से काट दोगे तो कितने डिग्री बनेगा, 10 को 6 से करोगे 60 डिग्री। उसके बाद फुटबॉल जो अपना पद मूल्य है इसका कोणीय मान निकालोगे, तो वास्तविक मान 7 बटा में कुल योग 36 गुणा 360, तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री फुटबॉल का कोणीय मान आ जाएगा उस वृत्त के संपूर्ण भाग में। उसके बाद वॉलीबॉल की बात करें तो पद वास्तविक मान 8 है, तो 8 बटा कुल 36 है गुणा 360 करोगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। सबके डिग्री जरूर लगा दीजिएगा, बार बार कह रहा हूं। फिर क्रिकेट की बात करें तो वास्तविक मान 10 बटा में कुल योग 36 गुणा 360 डिग्री और काटोगे तो फिर आ गया 100 डिग्री। तो यानी खो खो का जो कोणीय मान 50 डिग्री, कबड्डी का 60 डिग्री, फुटबॉल का 70 डिग्री, वॉलीबॉल का 80 डिग्री, क्रिकेट का 100 डिग्री है। ध्यान दीजिए, अगर आपको जैसे वॉलीबॉल इधर लिखा है, फुटबॉल इधर लिखा है, थोड़ा सा जो भी बाई चांस यही सवाल आपके रिपीट हो जाए, पहले वॉलीबॉल बाद में फुटबॉल है, तो ये गलती मत कीजिएगा। जैसा यहाँ चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रत्येक पद मूल्य का कोणीय मान है वो निकालना है, संपूर्ण वृत्त में कितना कोणीय भाग उसका है। तो इस प्रकार से ये सारा काम आप पहले कंटिन्यू करेंगे। ये कुल योग किया, सूत्र लिखा और प्रत्येक का जो भी यहाँ पद मूल्य दिए गए हैं, जो भी खेल दिए गए हैं यहाँ, उनमें विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर आप कोणीय मान निकाल देंगे, ये आप कंटिन्यू करेंगे। तो एक पेज में इतना हो जाएगा। अगले पेज में आपको कॉपी के वृत्त आरेख बनाना है। अब तीसरा स्टेप आ गया, वृत्त आरेख बनाना है। अब तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सर्किल बनाना है, वृत्त बनाना है। मैंने क्या कहा था आपको, कम से कम 4, 5 या 6 सेंटीमीटर
प्रकार को खोल के आप एक पूरा सर्किल है वो बना दीजिएगा। पूरा सर्किल कम से कम 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार खोल के एक सर्किल आपको बना देना है। बना के आप केंद्र से एक रेखा परिधि तक खींच देंगे, वो त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या कहीं भी खींच लें, मोस्टली आदत होती है अपनी यहाँ बीच में ऐसी खींच दी, जहाँ पर अपनों ने सेंटर रखा था उसके पास ही यहाँ पर हमने स्केल रखा और एक लाइन खींच दी, क्योंकि पहली एक लाइन खींचना जरूरी है, कहीं भी आप खींच दीजिएगा। अब हमें इसके ऊपर चांदे की सहायता से, डी की सहायता से कोण बनाने शुरू करने हैं। अब एक चीज़, हम पहले कौन सा कोण बनाएं? क्या हम पहले खो खो बनाएं या कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट? यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपका जो मन करें वो बना दीजिए, आपका जो मन करे उसको पहले बना दीजिए, पर जिसको आप पहले बनाएंगे उसका नाम ही उसमें लिखना है। कहीं खो खो बनाए और आप उसमें कबड्डी लिख दें, ऐसा मत कीजिएगा। अब एक चीज़ और है, हम भूगोल प्रायोगिक की बात करें तो एक परंपरा है, नियम नहीं है, एक परंपरा परिपाटी है भी हम सबसे पहले बड़े कोण को बना दें। जैसे क्रिकेट का 100 डिग्री है तो सबसे पहले यहाँ पर उसको बना दें, फिर घड़ी की दिशा में अवरोही क्रम में, यानी पहले सबसे ज़्यादा कोण, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम बनाकर ये रहें, ये तरीका रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप इसके हिसाब से चलते हो, पहले 50, 60, 70, 80 फिर 100 बनाते हो, तो ये गलत नहीं है। लेकिन परंपरा की बात करें तो हम भूगोल में ऐसा करते हैं भी, सबसे पहले बड़ा और उसके बाद उससे छोटा, यानी घड़ी की दिशा में अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में हम कोण हैं वो बनाते हैं। तो मैं उसी परंपरा को फॉलो कर लेता हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, आप चाहें तो पहले खो खो बना दें 50 डिग्री। तो मैं सबसे पहले यहां क्रिकेट को बना रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मान इसका है। अब आपको क्या करना है, ये जो त्रिज्या आपने ले रखी है इसके ऊपर आप, आपके पास प्रकार पेंसिल, रबर, इरेजर, जो डी है, चांदा है, वो वहाँ पर उपस्थित होगा, आपके पास होना भी चाहिए। जैसे अब मेरे पास ये बड़ा व्हाइट बोर्ड पर समझाने के लिए चांदा है, डी है, इसको मैं यहाँ पर रख लूँगा, इस त्रिज्या के ऊपर मैं यहाँ पर इसको रख लूँ। और कबड्डी का अपने यहाँ पर मैं पुनः बात करूँ, क्रिकेट है 100 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले तो मैं सेट कर लूँ चांदे को, डी को, और यहाँ पर जो भी 100 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल यहाँ ऊपर की बात करें तो कितने डिग्री है, 90 डिग्री, 90, ये 100 मत कर दीजिएगा। इधर जो बढ़ता क्रम है इसको आपको थोड़ा सा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन आप तो अच्छे से कागज़ पर कर लेंगे। ये है यहाँ पर 100 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने 100 डिग्री का निशान लगा दिया। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप स्केल की सहायता से इस 100 डिग्री वाले बिंदु को आप केंद्र को मिला देंगे, इस प्रकार से आप मिला देंगे, और यहां पर आप 100 डिग्री लिख देंगे और एक छोटा सा घेरा बना देंगे। और ये किसका है, क्रिकेट का है, तो आप यहां पर लिख देंगे क्रिकेट, 100 डिग्री का बना दिया। उसके बाद कौन सा है, वॉलीबॉल का है, कितना है, 80 डिग्री का है। तो अब आपको नीचे बनाना है, तो अब आप चांदे को उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके आप इसको यहां पर सेट कर देंगे, और इसके बाद जो अंदर की साइड का जो 80 डिग्री है उसको आप ले लेंगे यहां। तो ये रहा आपका 80 डिग्री निशान लगाया। और फिर आप क्या करेंगे, वही स्केल की सहायता से आप इसको इसके सेंटर से मिला दीजिएगा, और फिर वही कितने डिग्री का था, 80 डिग्री का था, सीधा लिखिएगा आप यहाँ पर 80 डिग्री, और गोल घेरा कर दीजिए यहाँ पर थोड़ा। और किसका है, वॉलीबॉल का है, तो आप इसमें लिख देंगे वॉलीबॉल, वॉलीबॉल यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपके पास है फुटबॉल 70 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, अब वॉलीबॉल वाली जो ये लाइन है इसके ऊपर आप चांदे को रखेंगे, और जहाँ 70 डिग्री है वहाँ पर निशान लगा देंगे, और स्केल की सहायता से आप इसको मिला देंगे,
और लिख देंगे, सीधा लिखिएगा अक्षरों को 70 डिग्री और कोण का रूप दे देंगे। किसका है? फुटबॉल का। और यहां पर क्या लिख देंगे आप? फुटबॉल। पूरी जगह है तो आप इस प्रकार लिख दें, जगह कम मिलती है तो आप इस प्रकार तिरछा यानी फुटबॉल ऊपर चढ़ते क्रम में आप लिख देंगे। उसके बाद आता है कबड्डी, 60 डिग्री है तो फुटबॉल वाली के ऊपर आप अपने चांदे को रखेंगे और 60 डिग्री पर निशान लगा दें। 60 डिग्री पे लगाया और फिर उसको आप केंद्र से मिला देंगे और लिख देंगे यहां पर 60 डिग्री। और ये कौन सा है आपका? कबड्डी। और इसमें आप लिख देंगे कबड्डी। हम चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई जरूरी नहीं है, उससे कोई मार्किंग पर फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में आप नाप के देख लें यहां पर, इसके ऊपर जब आप चांदे को रखेंगे तो ये कितने डिग्री पे आ रहा है, ये देखो आप बिल्कुल 50 डिग्री के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब अपने आप ही लास्ट वाला कौन सा बच गया? ये 50 डिग्री बच गया। और ये कौन सा है? खो खो। तो ये बन गया आपका वृत्त आरेख। तो एक सुविधा अनुसार आपने एक निश्चित कोई दूरी लेकर एक सर्किल बनाया और चांदे की सहायता से हमने पहले बड़े कोण को, फिर उससे छोटे और उस कोण को बनाते हुए जो जिस कोण से संबंधित था उसका नाम उसके अंदर लिख दिया और ये बन गया आपका वृत्त आरेख। नीचे आप लिख दीजिए वृत्त आरेख, बस इतना काम आपको करना है। तो यानी जब वो कुल योग लिख दोगे, ये फॉर्मूला और ये निकाल लिया, तो इसके आपको 2 से ही 1/2 यानी ये सारी चीजें जब आपकी क्लियर हो गई और ये फॉर्मूला लिख दिया तो आपको 2 से ही 1/2 नंबर मिल जाएंगे। और इस वृत्त आरेख के भी आपको 2 से ही 1/2 यानी टोटल आपको 5 अंक है वो दे दिए जाएंगे। तो ये 5 नंबर का काम है वो हो गया। तो यानी देखिए कितना इजी है इस चीज को समझना और बनाना भी। कुल योग करना है, फॉर्मूला, कोई भी वृत्त आरेख का प्रश्न आए आपको इसके अनुसार ही ये फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, फिर उसके हिसाब से ये कोण निकालने हैं, फिर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है अपने सुविधा अनुसार और उसके बाद उनके ऊपर चांदे की सहायता से कोण बनाते हुए ये करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी प्रश्न को आपसे सरल दंड आरेख भी पूछा जा सकता है। कहीं आपके दिमाग में हो जाए अरे खो खो कबड्डी का तो वृत्त आरेख बनाना है, तो ये तो हम इसका वृत्त आरेख बना रहे हैं तो हम इसका दंडारेख भी तो बना सकते हैं। प्रश्न की भाषा समझ लेना अच्छे से, निशान लगा लेना चाहिए। अच्छा बनाना क्या है, दंडारेख बनाना है या वृत्त आरेख बनाना है? क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के लिए आपसे दंडारेख भी पूछा जा सकता है, इन्हीं आंकड़ों के लिए वृत्त आरेख भी पूछा जा सकता है। तो वो तो बनाने का अपना अपना एक तरीका है भी किस प्रकार से हमें बनाना है। तो जब दंड आरेख बनाएंगे तब भी हम देखेंगे भी इसी आंकड़ों को हम दंड आरेख यानी स्तंभ के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन यहां आपसे क्या पूछा है? वृत्त आरेख पूछा है। तो ध्यान रखिए कहीं पूछे सरल दंड आरेख और आपके दिमाग में रहे अच्छा क्रिकेट फुटबॉल तो हमने वृत्त आरेख बनाए थे और आप बिना सोचे समझे ये कर दें, फिर जब आपको सर कहेंगे बेटा ये तो गलत हो गया तो आप सोचेंगे सर मैं काट के कर दूं, फिर मैंने कहा था जल्दबाजी में गलती मत करना, ये आपके लिए नुकसानदायक होगी। इससे पता चलेगा टीचर को भी अच्छा बच्चे ने गड़बड़ की थी, इसको किसी ने हेल्प किया है या कि इधर उधर से चीट किया है इसने। तो ऐसा मौका मत दीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। जब वृत्त आरेख का प्रश्न हो, वृत्त आरेख ही जब पूछा है तभी इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो यहां अच्छे से गौर करना है, आपसे दंड आरेख पूछा जा रहा है या वृत्त आरेख है वो पूछा जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूं भी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं और भी आपका अभ्यास है वो करवा दूंगा। मैंने बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश है वो की है ताकि इजी वे में आपके ये समझ में आ जाए। और यूं कहूं भी अपनी भाषा में भैया बहुत ही सौखा काम है, अच्छे से कर लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने का नहीं देने का काम होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर एक नए एग्जाम्पल के साथ, तब तक करते रहिए अभ्यास, मिलते हैं।